देखिए साल 2024 से पहले ही राष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसका करंट कांग्रेस को लगने वाला है। जी बड़ी खबर झारखंड से, जहां जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो दोनों दलों की गठबंधन वाली सरकार है, अब इस सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल कांग्रेस के 9 से 10 विधायक बताया जा रहा है जो बाकी हो सकते हैं। जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि ये वो विधायक हैं जिन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाकर राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर दी, और कल जब सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होने जा रही थी, उस वक्त जब देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, तब भी ये 9 से 10 विधायक प्रदर्शन में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। मतलब साफ कांग्रेस से इन कांग्रेसी विधायकों ने दूरी बना ली। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत ने विपक्षी एकता को न सिर्फ तार तार किया बल्कि आने वाले चुनावों के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है। बीजेपी के मुर्मू मॉडल ने उन राज्यों में भी विपक्षी एकता को ध्वस्त कर दिया है जहां आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यही वजह है देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव की जीत का जश्न किसी राजनीतिक पार्टी ने इस तरह से बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया। देश के कोने कोने में बीजेपी के छोटे बड़े नेताओं ने सड़क पर निकलकर मुर्मू की जीत का जश्न मनाया। बीजेपी के लिए ये जीत इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि बीजेपी ने आदिवासी वोटरों को इससे बहुत बड़ा संदेश दे दिया और क्रॉस वोटिंग का करंट इसकी गवाही देता है। नतीजा ये बात निकली कि देश भर में 126 विपक्षी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर मुर्मू को वोट दिया है। इनमें असम के 22 एमएलए, मध्य प्रदेश में 18 एमएलए, महाराष्ट्र में 16 एमएलए, गुजरात में 10 एमएलए, झारखंड में 10, मेघालय में 7, बिहार में 6 एमएलए और छत्तीसगढ़ में भी 6 विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में वोटिंग की। इसके अलावा यूपी, मेघालय, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल में भी क्रॉस वोटिंग हुई। इनमें गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां आदिवासी वोटरों की संख्या अच्छी है और यहां आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में 31%, मध्य प्रदेश में 18% और गुजरात में 15% आदिवासी वोटर हैं। और इन राज्यों में विपक्षी एकता ने जो सेंध लगाई है उसके बारे में अनुमान ये है कि आदिवासी इलाकों से जीतने वाले विपक्षी विधायकों ने मुर्मू का समर्थन किया। ये वो राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 6 महीने से 1.5 साल तक का समय है। लेकिन असली ऑपरेशन तो झारखंड में हुआ। 12 जुलाई को मोदी झारखंड गए थे, बाबा धाम में उन्होंने पूजा की थी और उससे पहले झारखंड में करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। उसी के बाद ये चर्चा हो रही थी कि क्या झारखंड में हेमंत सोरेन पाला बदलने वाले हैं। इस चर्चा के बीच 3 दिन बाद ही 14 जुलाई को हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक झारखंड के 10 विपक्षी विधायकों ने मुर्मू को वोट किया है और ये विपक्षी कांग्रेस के विधायक है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में कांग्रेस के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करने से पार्टी आलाकमान काफी नाराज है, लेकिन सरकार बचाने की मजबूरी की वजह से कोई कुछ औपचारिक तौर पर नहीं कह रहा। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 18 में से 9 से 10 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब पार्टी को यह डर सता रहा है कि अगर ये विधायक सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हुए तो सरकार बचाना असंभव हो जाएगा। झारखंड की सरकार खतरे में है या नहीं, इस पर बीजेपी अभी पत्ते नहीं खोल रही। बिहार से 6 और झारखंड से 10 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, क्या झारखंड की सरकार जहां से यशवंत सिन्हा आते हैं खतरे में है? जी ये मैं कुछ नहीं कहूंगा, ममता जी ने क्या कहा था? खबर ये भी है कि सोनिया गांधी के लिए गुरुवार को जब झारखंड की सड़कों पर कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे थे तब करीब 10 विधायक इसमें शामिल नहीं हुए।
इसलिए चर्चा ये होने लगी कि क्या झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस होने वाला है। झारखंड में तो क्रॉस वोटिंग का करंट देकर कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनने की कोशिश हो रही थी, तो उधर मध्य प्रदेश में क्रॉस वोटिंग की अहमियत इसलिए है क्योंकि यहां के बारे में कहा जाता है कि पिछले चुनाव में आदिवासी वोटरों की नाराजगी की वजह से ही बीजेपी सत्ता से बाहर हुई। मध्य प्रदेश में अगले साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को हराकर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी, मगर बीजेपी ने जोर तोड़ से फिर सरकार बना ली। माना यही जा रहा है कि आदिवासी वोटरों पर पकड़ खोने के चलते ही बीजेपी पिछला चुनाव हारी, इसलिए इस बार आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही। मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने आदिवासी वोटरों के बीच बड़ा संदेश दिया है। ये भारत के लोकतंत्र की खूबी है, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। भारत अनेकों रंग में रंगा है और जनजाति समाज हमारा प्रमुख अंग है। आज उसी समाज से आने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अब भारत की राष्ट्रपति हैं। मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं। साल 2013 में बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में एसटी के लिए रिजर्व 47 सीटों में से 32 सीटें थी, लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी को महज 16 सीटों पर जीत मिली, जो राज्य में बीजेपी के सत्ता से बाहर होने का प्रमुख कारण बनी थी। ये तो आंकड़े सिर्फ एसटी के लिए रिजर्व सीटों के हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 87 ऐसी हैं जहां आदिवासी वोटर जीत हार तय करते हैं, और यहां भी 2013 की तुलना में 2018 में बीजेपी का ग्राफ गिरा था। यही वजह है कि बीजेपी पिछले कुछ महीनों से लगातार आदिवासी वोटरों के लिए पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे इसकी गवाही देते हैं। पिछले साल अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर दौरे पर थे और उस दिन राज्य सरकार द्वारा आयोजित समारोह में शामिल हुए। ये कार्यक्रम आजादी की लड़ाई के दौरान शहीद हुए आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित किया गया था। आदिवासी वोटरों को ध्यान में रखकर ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती यानी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आदिवासी वोटरों को लेकर बड़ी रणनीति बना चुके हैं। पिछले 7-8 महीनों में मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटरों को जोड़ने के लिए, आदिवासी वोटरों पर अपनी पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी 5-6 बड़े प्रोग्राम मध्य प्रदेश में कर चुकी है। मध्य प्रदेश हो या झारखंड, गुजरात हो या छत्तीसगढ़, क्रॉस वोटिंग के इस करंट से विपक्ष हिला हुआ है और सत्ता पक्ष गदगद है। देखते जाइए क्रॉस वोटिंग का ये गेम क्या गुल खिलाता है। ABP News आपको रखे आगे।